हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पोयम जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ फ्री आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसको कंपोज किया है बहुत ही फेमस पोएट, फेमस पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम थोड़ा सा जान लें पोएम को पढ़ने से पहले। स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम था रविंद्रनाथ था, जो सन्यासी बनने से पहले उनका ओरिजिनल नाम था, और इनका जन्म 1863 में कोलकाता, यानी कि उस वक्त का कलकत्ता था, कैलकटा जिसको बोलते थे, वहाँ पर हुआ था। ये बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट भी रहे हैं। इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज कोलकाता से ही ग्रेजुएशन की पूरी की है। और इससे पहले कि हम पोएम के बारे में पढ़ें, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये बहुत ही फेमस रहे हैं। अपने छोटे से जो लाइफ स्पान है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन उन्होंने पोएम लिखी है। ये पोएम भी देशभक्ति से भरी हुई है, ह्यूमन सोल और डिविनिटी से भरी हुई है। इसमें इंसानी सोल के बारे में पोएट ने बात की है। हम पोएम के बारे में बात करें तो कवि बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कैरेक्टर में, यानी कि ह्यूमन सोल के डिवाइन कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, और वो मानता है कि इंसानी जो सोल है, ह्यूमन जो सोल है, वो सभी समस्याओं, दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं और जितनी भी तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, संघर्ष हैं, स्ट्रगल्स हैं, उन सब के बावजूद इंसानी सोल का जो कैरेक्टर है वो डिवाइन है, और वो इन सबसे लड़ने का बहुत ही मतलब प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है ह्यूमंस को कि वो इन सब परेशानियों के बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल देकर पोएट समझाता है। आइए पढ़ते हैं पोएम के बारे में लाइन टू लाइन। पोएम के फर्स्ट लाइन्स हम पढ़ते हैं। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टर्ड अप डॉथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिजाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। द वाउंडेड स्नेक सांप जो घायल हो जाता है, बहुत ही घायल अवस्था में होता है, अगर उसको चोट पहुंचती है तब उस हालत में वो अपने हूड को, अपने फन को बाहर की ओर फैलाता है और गुस्से से अपने प्रोटेक्टिव आर्म में आ जाता है, अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो करता है। कब शो करता है? जब उसको चोट पहुँचती है। इसी तरीके से द फ्लेम स्टर्ड अप डॉग प्लेस, जब आग को जलाया जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है, तो उसकी लपटें आसमान की ओर पूरी ताकत के साथ उभरती हैं। और इसी के साथ द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल, रेगिस्तान में जब खाली पड़ा हुआ होता है, सारी चारों तरफ खाली मैदान होता है, उस वक्त में जो डेजर्ट की जो एयर होती है वो बहुत ही ताकतवर होती है, पूरी ताकत के साथ वो उभरती है। और इसी तरीके से जब कोई शेर घायल हो जाता है, उसके हार्ट पे स्ट्रक किया जाए या उसके चोट पहुँचाई जाए, तो अपने पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आता है और अपने दुश्मन पर वार करता है। यानी कि ये कुछ चार पांच कैरेक्टर्स बताए हैं पोएट ने कि अपनी अपोजिट कंडीशंस में किसी की क्वालिटीज़ अपने एक्सट्रीम तक पहुँचती हैं। यानी कि वो जब भी मुश्किलों का सामना होता है तो मजबूत लोग जो हैं वो अपने कैरेक्टर को बिल्कुल ऊपरी स्तर तक, ऊपरी लेवल तक, अपर लेवल तक पहुंचा देते हैं। द क्लाउड पुट्स फॉर्थ इट्स डिल्यूग स्ट्रेंथ, बादल अपनी ताकत को पूरी स्ट्रेंथ के साथ बाहर की ओर शो करते हैं। जब वेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, जब लाइटनिंग इन बादलों को समेट लेती है, दबोच लेती है, तो बादल अपनी पूरी ताकत के साथ बरसते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. जब महान लोगों के साथ भी यही क्वालिटी होती है कि जब उन पर मुसीबतें आती हैं, जब उन पर बहुत प्रेशर होता है, जब उनके ऊपर बहुत तनाव और दबाव होता है, तो उस तनाव, उस टेंशन, उस परेशानियों, उन डिफ़िकल्टीज़ में वो अपने सबसे रिफाइंड, सबसे मजबूत कैरेक्टर को शो करते हैं। यानी कि ग्रेट सोल्स व्हेन स्टर्ड, जब उनकी इन जो ग्रेट सोल्स हैं, जैसे जो महान लोग हैं, उनकी उनके ऊपर जब मुसीबतें या विपत्तियां आती हैं, तो उनका रिफाइंड कैरेक्टर, उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने की ओर उभर कर आता है। इसलिए आगे कवि
एडवाइस करते हुए, मैसेज देते हुए नेक्स्ट लाइन्स में पोएट क्या कह रहा है, सुनिए। लेट आईज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, चाहे तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएं बुढ़ापे की वजह से, कमजोरी की वजह से, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और तुम्हारा दिल कमजोर हो जाए, यानी कि तुम तुम्हारा शरीर और तुम बुढ़ापे की ओर, कमजोरी की ओर चले जाओ। एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारा प्यार तुम्हें धोखा दे दे, तो क्या हो, लेट फेट इट्स 100 horrors send, और जो किस्मत है तुम्हारे ऊपर बहुत सारी तकलीफें परेशानियां भेज दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और जो डार्कनेस है अंधेरा है वो तुम्हारे रास्तों को रोक ले, यानी कि तुम्हारे ऊपर विपत्तियां, तुम्हारे पास आफत, तुम्हारे पास डिफिकल्टीज, तुम्हारे ऊपर सब तरह की मुसीबतें आ जाएं, उस वक्त में क्या करना है। एंड नेचर वर एन एंग्री फ्राउन, और नेचर अपना सारा कहर सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर दिखा दे, फ्लड्स के फॉर्म में, ड्रॉट के फॉर्म में, सूखे के फॉर्म में, बाढ़ के फॉर्म में, अर्थक्वेक्स के फॉर्म में, या नेचर की जो फ्यूरी है, किसी भी तरीके से जो नेचर का गुस्सा है, कुदरत का जो गुस्सा है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए, तो क्या हो, टू क्रश यू आउट, तुम्हें बिल्कुल क्रश करने के लिए, तुम्हें बिल्कुल ख़त्म कर देने के लिए, स्टिल नो माई सोल, नो माई सोल मीन्स ह्यूमन सोल को एड्रेस करते हुए पोएट कह रहा है कि उन सब के बावजूद यू आर डिवाइन, तुम डिवाइन हो, तुम ईश्वर के बनाए हुए हो, इसलिए मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते चले जाओ, मार्च ऑन एंड ऑन यानी कि आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, ना ही सीधे उल्टे सीधे कामों की तरफ या इधर उधर के कामों की तरफ, बल्कि अपने मकसद, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनी की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, क्योंकि इंसानी सोल, इंसानी आत्मा का, इंसानी कैरेक्टर का ये क्वालिटीज होती हैं कि वो मुसीबत आने पर और ज़्यादा उभर कर निखर कर आते हैं। तो इस तरीके से पोएट ने इंसानी कैरेक्टर, ह्यूमन सोल की डिवाइन क्वालिटीज़ को रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया या समरी की तरफ। सेंट्रल आइडिया या समरी में हम वही सब पढ़ेंगे जो हमने पिछले पोएम्स में किया था। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहा हूँ जो भी हमारे सेंट्रल आइडिया है उसको आप नोट करेंगे। मैंने इसको इंग्लिश में भी और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी देने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके बाद हम करेंगे लास्ट में, इसका लास्ट सेक्शन है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी वही हमारा पुराना रिपीटेड तरीका रहेगा जिसमें हम लाइन्स को लिखेंगे, जो स्टेंजा हमें रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट के लिए दिया गया है उसमें हम क्या लिखना है, हमें शुरू की जो लाइंस हैं उनके दो तीन वर्ड्स को लिखेंगे, डैश डैश करके उसका लास्ट का दो तीन वर्ड्स लिखेंगे, और उसके बाद हम उसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में वही सब, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कंपोज बाय द फेमस पोएट स्वामी विवेकानंद। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल आइडिया का मोस्ट पार्ट हम एक्सप्लेनेशन के पार्ट में लिखेंगे जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको समअप करेंगे सेंट्रल आइडिया के थ्रू। इस तरह से हमारा रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हमारी पोएम यहाँ पर पूरी होती है। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक भी करें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई आपको पोएम में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। गुड डे, गुड बाय।